हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं फिर से अपने चैनल में हाजिर हूं, जिसका नाम है कैट करियर। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आइसोमेट्रिक से रिलेटेड है। आइसोमेट्रिक से रिलेटेड मैंने दो वीडियो पहले से डाला हुआ है अपने चैनल में। एक आइसो इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक है और दूसरा है आइसो सर्किल के नाम से एक वीडियो बना हुआ है। फ्रेंड्स, ये आइसोमेट्रिक का थर्ड टॉपिक है। इसमें मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि किस तरह से आइसोमेट्रिक में बने हुए ऑब्जेक्ट का डायमेंशन करते हैं। फ्रेंड्स, आइसोमेट्रिक में डायमेंशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसमें जो आइसोमेट्रिक में जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो प्लेन पे बनते हैं, आइसो प्लेन पे बनते हैं। आइसो प्लेन क्या होता है वो आइसोमेट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक में मैंने बता दिया है। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और समझिए। फिलहाल अभी जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट, आइसोमेट्रिक में ऑब्जेक्ट का डायमेंशन कैसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आइसोमेट्रिक में जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो कमांड की हेल्प से करते हैं। दोनों कमांड का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डीम एलाइन कमांड और ओब्लिक कमांड। ये दोनों ही कमांड मैंने बता दिया है, अपने वीडियो में अपलोड कर दिया है। ओब्लिक कमांड आपको डीम एडिट कमांड में मिल जाएगा और डीम एलाइन कमांड आपको डायमेंशन मेन्यू कमांड में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो मेरे वीडियो को देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, डीम एलाइन कमांड क्या होता है और ओब्लिक कमांड क्या होता है वो चीज़ तो बता दिया है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि ओब्लिक क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे डायमेंशन आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, ये तो मैंने ऐसे आपको ओब्लिक समझाने की पहले कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं बॉर्डर, इसी को ओब्लिक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। ये जो जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन का जो बॉर्डर होता है उसी को ओब्लिक कहा जाता है। अब आइए, अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑलरेडी मैंने इसका डायमेंशन करके दिखा दिया है आपको। इसलिए यहाँ पे मैंने डायमेंशन किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में भी आसानी हो। तो सबसे पहले इस बॉक्स को मैं कॉपी करके बगल में रख लेता हूँ और इसी का मैं डायमेंशन आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो क्या करना होगा, डायमेंशन मेन्यू में आना होगा, एलाइन कमांड से पहले सबका डायमेंशन निकाल लेते हैं। देखिए, ये तीनों लाइन का मैंने डायमेंशन कर दिया, लेकिन अब देखिए बगल वाले फिगर से इस वाले फिगर को कंपैरिजन कीजिए तो वो जो पहला जो फिगर बना हुआ था वो एक्यूरेट लग रहा है, उसका फिगर जो है वो एकदम सही परफेक्ट लग रहा है, डायमेंशन परफेक्ट किया हुआ है। मगर इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन तो सही है बट फिगर परफेक्ट नहीं है, उसका जो ओब्लिक है वो सही नहीं है। तो उसी ओब्लिक को सेट करते हैं, बस यही आइसोमेट्रिक में थोड़ा सा डिफर है अदर 2D ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें ओब्लिक को सेट कैसे करते हैं, ओब्लिक कमांड के बारे में भी मैंने बताया है। डीम एडिट कमांड में मिलेगा आपको ओब्लिक ऑप्शन, लेकिन अगर आप डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो डायमेंशन मेन्यू में आइए, यहाँ से ओब्लिक ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कीजिए। मैसेज दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको आपको पहले किस डायमेंशन को अलाइन करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए। मैसेज दे रहा है इंटर ओब्लिक एंगल। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है, जो ये जो डायमेंशन है इसका जो ओब्लिक है, बॉर्डर है, उसको किसके अलाइन करना है, किसके अलाइन वो होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये जो लाइन है अभी देखिए जिस पे मैं कर्सर रखा हुआ हूँ वो 30 डिग्री पे है, उसी के अलाइन इसको करेंगे तो ये सूटेबल हो जाएगा। तो ये लाइन 30 डिग्री पे है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये 30 डिग्री पे है या नहीं है, तो अगर डायरेक्ट आप इस लाइन से लेके दूसरी लाइन, उसी लाइन पे अगले पॉइंट पे क्लिक कीजिए तो देखिए वो जो ओब्लिक था वो उस लाइन के अकॉर्डिंग हो चुका है। अब क्या हो रहा है, आपका फिगर जो है, डायमेंशन जो वो परफेक्ट नज़र आ रहा है। फिर से आइए डायमेंशन मेन्यू में, ओब्लिक में आइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए। अब क्या करना है, इस ओब्लिक को इस लाइन के अकॉर्डिंग करना होगा। तो इस लाइन पे एक पॉइंट पे यहाँ क्लिक कीजिए, अगले पॉइंट पे वहाँ क्लिक कीजिए। देखिए आपका डायमेंशन हो चुका है। और फिर आइए डायमेंशन मेन्यू में, ओब्लिक में इसको सेलेक्ट कीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए। अब आपको फिर मैसेज दे रहा है इंटर ओब्लिक एंगल। यहाँ से आप एंगल डाल सकते हैं, एंगल आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगर एंगल डालने की जरूरत नहीं है, मन नहीं कर रहा है, तो इस लाइन से लेके इस लाइन तक सेलेक्ट कीजिए। देखिए वो उसके अलाइन हो जाएगा, आपका जो डायमेंशन का जो ओब्लिक था उसके अलाइन हो जाएगा और वो देखने में खूबसूरत हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। इसका डायमेंशन पहले मैं डीम एलाइन कमांड से यहाँ से निकाल लिया हूँ। अब आइए इसको डायमेंशन मेन्यू में, ओब्लिक में
इसको सेलेक्ट कीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए। मैसेज क्या पूछ रहा है, इंटर ऑब्लिक एंगल। अगर आपको इस लाइन के एलोंग करना है तो इस ये लाइन कितने डिग्री पे है, ये लाइन 30 डिग्री पे है। कैसे पता चलेगा कि 30 डिग्री पे है, उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक पढ़ना होगा। मैंने उसमें बताया है कि 30 डिग्री पे कब बनेगा, 90 डिग्री पे कब बनेगा, 150 डिग्री पे कब बनेगा और किस तरह से वो दिखेगा। तो फिलहाल जो लोग जानते होंगे उनके लिए है कि ये लाइन 30 डिग्री पे है, तो यहाँ पे आप 30 डिग्री डाल के इंटर की प्रेस कीजिए। देखिए वो जो डायमेंशन था वो 30 डिग्री के डायमेंशन का जो ऑब्लिक था वो 30 डिग्री के लाइन अपने आप एडजस्ट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया। इसमें एक और टॉपिक है, दूसरा टॉपिक क्या है, सर्किल का डायमेंशन निकालना। इससे पहले तो अभी जो मैंने बताया वो बताया है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट में जो लाइन है उसका। अभी जो है सर्किल का कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखिए मैं पहले इसको कॉपी करके साइड में रख लेता हूं। अब देखिए लाइन का निकालना आ गया, अब सर्किल का कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। एक लाइन, पहले लाइन कमांड यूज करेंगे, लाइन कमांड यूज करके इसके सेंटर को इसके मिड से मिला देंगे और फिर एक्सटेंड करके इसको इस सर्किल तक एक्सटेंड कर लेंगे और फिर इस लाइन के बाहर इसको ट्रिम कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिम हो गया, यानी उस लाइन के वो जो सर्किल है उसके एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट यानी बीचों बीच जो है डायमीटर बना लेंगे एक लाइन से। अब वही काम करना है, डायमेंशन मेन्यू में आना है, लाइन कमांड से इसको सेलेक्ट करना है और बाहर डायमेंशन रख देना है। लेकिन बाहर रखने पे देखिए क्या है, वो थोड़ा भद्दा टाइप का दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ओब्लिक यूज करना होगा। डायमेंशन मेन्यू में आएंगे, ओब्लिक से इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। अब आप उसको करना किसके अलोंग है वो आपको देखना होगा। तो ये देखिए ये जो 150 डिग्री पे है उसके अलोंग कर लीजिए, या तो यहाँ पे 150 डिग्री लिखिए या फिर आप डायरेक्ट इस लाइन से इस लाइन पे क्लिक कीजिए, वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। और फिर डायमेंशन करने के बाद इस लाइन को डिलीट कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, इसके सेंटर से इसके मिड को मिला लीजिए, इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर लीजिए एक्सटेंड कमांड से और फिर इसको ट्रिम कर लीजिए। यानी ये मेरे इसको बनाने का मकसद यही है कि सिर्फ डायमीटर जो है डायमीटर बन जाए, और डायमीटर बनने के बाद अलाइन कमांड से इसका डायमेंशन कर लीजिए। ये डायमेंशन होने के बाद अब आप डायमेंशन मेन्यू में आइए, ओब्लिक ऑप्शन से इसको सेलेक्ट कीजिए, इंटर की प्रेस करके जिस लाइन के अकॉर्डिंग करना है उस लाइन पे दो बार क्लिक कीजिए आगे पीछे, और देखिए डायमेंशन आपका क्लियर हो चुका है। इन सब में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा डायमीटर बनाने के लिए, सेंटर से दोनों इन पॉइंट को मिलाना होगा। मिलाने के बाद आप फिर आराम से अलाइन कमांड से ले लेंगे डायमेंशन निकाल के, ऑब्लिक से आप फिर उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यही इसमें कंसेप्ट था। अगर ये कंसेप्ट आपको पसंद आया हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इसमें कुछ ट्रबल है, कुछ समझ में नहीं आया, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो कमेंट बॉक्स में नीचे में आप ज़रूर अपना कमेंट डालें कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं फिर से इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे वीडियो से एक स्टूडेंट को भी प्रॉफिट होता है तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, मुझे खुशी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।